हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया में। तो आज का ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो फैशन की दुनिया में आना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपनी अलग एक पहचान बनाना चाहते हैं। तो हाँ, ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, तो आप लोग मुझसे बहुत तरह से क्वेश्चंस करते रहते हैं, तो सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। और उसके साथ ही मैं एक अनाउंसमेंट भी कर रही हूँ कि मैं अपने इस चैनल पर स्टार्ट करने जा रही हूँ फैशन डिजाइनिंग कोर्स की एक सीरीज। मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ बहुत ही अच्छे और हेल्पफुल वीडियोस जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं अगर आप फैशन की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, उस वीडियो में मैं बताना चाहूंगी कि जैसे आप लोग पूछते हैं कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कब करें, कहाँ से करें, ग्रेजुएशन होना जरूरी है नहीं जरूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इंटर के बाद भी, 12th पास करने के बाद भी आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, डिग्री भी कर सकते हैं, और अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत ही सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो ऑनलाइन आपको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके साथ ही आपको सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। तो हाँ, आप अगर घर से रह के पढ़ना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और उसके साथ आपका क्वेश्चन होता है कि क्या सब्जेक्ट होते हैं, कैसे वर्क करते हैं फैशन डिजाइनिंग में, तो इसमें नियर अबाउट 7-8 सब्जेक्ट होते हैं, और डिपेंड करता है आप किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग एक दो सब्जेक्ट तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो जैसे कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ 8 सब्जेक्ट के बारे में। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है फैशन डिजाइनिंग में, वो है एलिमेंट ऑफ डिजाइनिंग। एलिमेंट ऑफ डिजाइनिंग में आप सीखते हैं, सबसे पहले आपको लाइन सिखाई जाती हैं, लाइक आप फ्री हैंड लाइंस बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन, ज़िगज़ैग लाइन, कर्वी लाइन, इस तरह की आपको लाइंस की नॉलेज देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स हो गई, इन सब की नॉलेज भी आपको देते हैं। इसके साथ ही आपको फिगर ड्राइंग, फ्री हैंड फिगर और टेक्सचर, इन सब की बेसिक जो नॉलेज है वो डिजाइनिंग ऑफ एलिमेंट में आपको मिल जाती है, जिससे आपका हैंड जो है वो प्रॉपरली वर्क करने लगे। इसमें आपको शेडिंग भी, पेंसिल शेडिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पेंसिल शेडिंग सिखाई जाती है। उसके बाद हमारा जो नया सब्जेक्ट आता है वो है फैशन इलस्ट्रेशन और स्केचिंग, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी फैशन डिजाइनर के लिए। अगर आपके माइंड में कोई डिजाइन आ रही है और अगर आप उसको पेपर पे अच्छे से उतार दोगे तो आप बेस्ट डिजाइनर हो मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपके दिमाग में जब कोई डिजाइन आती है और उसको आप अगर पेपर पे अच्छे से नहीं उतार पाते हो तो आपका कस्टमर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं क्या बना रहे हैं, क्या बन के आएगा। तो अगर आप अपने पैटर्न, अपनी डिजाइन को अपने स्केच में बहुत अच्छे से उतार दोगे तो 1000 श्योरिटी है कि आपका क्लाइंट कहीं नहीं जाने वाला। तो इसीलिए एक फैशन डिजाइनर बनने के लिए सबसे बेस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो है फैशन स्केचिंग। आप फैशन स्केचिंग में अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको वो जो चीज सिखाएंगे वो होते हैं फ्लैट्स होते हैं, फिगर पोजीशंस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिगर पोजीशंस आपको, और क्रूकीज होती हैं, और आपको इसमें कलरिंग भी करनी आनी चाहिए। इसमें आपको एक स्केचिंग में लाइक सीफोन का अगर आपको टेक्सचर देना है तो किस तरह से देंगे, जॉर्जेट का देना है तो कैसे देंगे, वेलवेट का देना है तो कैसे देंगे, डेनिम का देना है तो कैसे देंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फैब्रिक का टेक्सचर जो है वो आपको स्केचिंग के थ्रू इतना फाइन वर्क करना होता है कि आप उसी के थ्रू अपने कस्टमर को दिखा पाए। इसमें आपको एम्ब्रॉयडरीज, बीड्स, प्रिंट्स, ये भी आपको अपने स्केचिंग में बहुत ही फाइन तरीके से शो करना होता है। तो सेकंड सब्जेक्ट हमारा हो गया फैशन इलस्ट्रेशन एंड स्केचिंग। अब बात करते हैं हमारे तीसरे सब्जेक्ट की, जो है CAD, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। इसमें हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं दो सॉफ्टवेयर की हेल्प से,
जो हमारा पहला सॉफ्टवेयर होता है वो कोरल ड्रॉ होता है और सेकंड जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो फोटोशॉप होता है। करते हैं कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो हमारे लिए प्लस पॉइंट ये होता है, लाइक हम स्केचिंग जब करते हैं तो हमें बहुत सारे पेंसिल कलर्स ये वो स्केचिंग सीट बहुत सारी चीज़ों को एकदम फैलाना पड़ता है तब काम होता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में वर्क अच्छा करते हो और अगर आप कोरल में अगर आप एक्सपर्ट हो गए हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होता है कि आप अपनी डिज़ाइन को कंप्यूटर पे डिज़ाइन करके उसको 3D इफेक्ट में अपने कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर सकते हो कि आपका एक फ्रंट लुक ऐसा आएगा, बैक लुक ऐसा आएगा, साइड लुक ऐसा आएगा और आप में उसमें कलर टेक्सचर्स वगैरह डिज़ाइन भी बहुत अच्छे से आप उतार सकते हो। जो भी फैशन प्रोफेशनलिस्ट होते हैं वो इन्हीं सॉफ्टवेयर्स पे आजकल वर्क करते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे से आप अपने कस्टमर को अपनी डिज़ाइन जो है वो प्रेजेंट कर पाते हो। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की जो है PMT, पैटर्न मेकिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें हम पैटर्न बनाना सीखते हैं। हम हर चीज़ का एक पैटर्न बनाते हैं, लाइक अगर हमें एक ब्लाउज भी बनाना है तो उसका हम पहले पैटर्न सेट करेंगे, जो भी मेजरमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग एक उसका पेपर पे जो है वो हम पैटर्न बनाते हैं और उस पैटर्न के हेल्प से फिर हम उसको कपड़े पे कट करते हैं। तो पैटर्न मेकिंग में हम पैटर्न बनाना सीखते हैं और किसी भी चीज़ की डिज़ाइन को पहले कपड़े पे कट करने से पहले हम लोग पहले पैटर्न बनाते हैं और फिर उस पैटर्न की हेल्प से हम लोग कपड़े पे उसको पेस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कट करके हम अपना ड्रेस जो है वो तैयार करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है GMT, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम कपड़े को किस तरह से बनाना है, किस तरह से सिलना है, लाइक हर तरह की कपड़े से रिलेटेड जो ड्रेस को तैयार करने की जो भी पूरी स्टार्ट टू एंड प्रोसेस होती है उसको हम पढ़ते हैं। GMT में हम बहुत सारी नॉलेज मिलती है, कपड़े का राइट साइड कौन सा है, कपड़े का रॉन्ग साइड कौन सा है, हमें हिडन स्टिचिंग कैसे करनी है और हमें स्टिचिंग करते थ्रो कौन कौन सी जो है वो सावधानी रखनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। इसमें आपको बेसिक से बेसिक नॉलेज दी जाती है सिलाई से रिलेटेड। तो GMT में एक तरह की गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं फैशन फंडामेंटल की। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें आपको पूरी बेसिक नॉलेज मिलती है फैशन डिज़ाइनिंग की, लाइक बेसिक ऑफ फैशन कब से स्टार्ट हुई, किस डेकेड में कैसा फैशन था, 16S, 17S, 18S, 19S, और मतलब इस तरह के बहुत सारी जो है आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट टाइम किस तरह के हम लोग कपड़े पहन रहे थे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बहुत सारी जो फैशन से रिलेटेड साइकिल है और बहुत सारी फैशन की जो नॉलेज है वो हम फैशन फंडामेंटल में पढ़ते हैं। कौन सी ब्रांड्स जो हैं उस टाइम से एस्टेब्लिश्ड हैं और अभी तक चल रही हैं, कौन सी ट्रेंड्स जो हैं रनिंग हो रही है, फैशन साइकिल कितने साल में चेंज होगा, ये सब सारी नॉलेज जो है वो हमें फैशन फंडामेंटल में मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो वो होता है हमारा टेक्सटाइल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिकॉज इस सब्जेक्ट में आप जो है वो कपड़े के बारे में पढ़ते हैं, लाइक कॉटन, पॉलिस्टर, डेनिम, मैन मेड और नेचुरल फैब्रिक्स के बारे में आप पढ़ते हैं, कौन से फैब्रिक पे किस तरह का वर्क अच्छा लगेगा वो पढ़ते हैं आप। टेक्सटाइल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको पूरी बेसिक नॉलेज मिलती है फैब्रिक के बारे में, कितने टाइप्स की वीविंग्स हैं, कितने टाइप्स की हमारी जो हैं वो एम्ब्रॉयडरीज हैं, पेंटिंग्स हैं और टाई एंड डाई, बाटिक, इस सारी नॉलेज आपको टेक्सटाइल्स के अंदर मिलती है। तो ये बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है एक डिज़ाइनर के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट है वो है फैशन मर्चेंडाइजिंग, जिसमें आप एक तरह का फैशन का मार्केट जो है उसकी स्टडी करते हैं कि आप अपनी डिज़ाइन आपने बना तो ली, अब आप उसको लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे, अपनी डिज़ाइन जो है वो बेचेंगे किसको और कैसे। तो फैशन मर्चेंडाइजिंग में हम पूरा फैशन का बिजनेस सीखते हैं कि कैसे हम अपनी डिज़ाइन को लोगों तक पहुंचाएं, मार्केट में क्या रनिंग है उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिज़ाइन रखें, ऐसा हम क्या हटके क्या न्यू डिज़ाइन करें जो दूसरों की डिज़ाइंस को बीट करे और हमारा डिज़ाइन सबसे आगे आए। तो फैशन डिज़ाइनिंग में जो हम फैशन मर्चेंडाइजिंग पढ़ते हैं वो एक तरह का फैशन बिजनेस ही है, फैशन बिजनेस का मैनेजमेंट है जो हमें पूरी फैशन के मार्केटिंग की नॉलेज देता है। तो इसी के साथ हमारी जो सब्जेक्ट नॉलेज थी वो यहाँ पे एंड होती है
और ऑब्वियस सी बात है मैं अपने सारे पोर्टफोलियोज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आपको फैशन पोर्टफोलियोज तैयार करने होते हैं ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज। सो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जल्दी से उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो कि अपने इस फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी।